प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कार्यक्रम किसान की बात। क्यों ना अमित, आज हम कार्यक्रम की शुरुआत एक कहानी से करें। बिल्कुल बिल्कुल, तैयार हो सुनने के लिए? बिल्कुल मैम, आपकी जो कहानियां होती हैं, जो आप सुनाते हैं, और हमारे श्रोता भी तैयार रहते हैं, और जैसे ही उन्हें पता लगता है कि किसान की बात में आज जैसे ही आपकी आवाज जाती है, वो पहचान लेते हैं कि आज कोई ना कोई उद्देश्य ऐसा अवश्य होगा जिससे उनके जीवन को एक नई सोच मिलेगी, एक वैज्ञानिक सोच के साथ में वो कृषि में नए आयाम गढ़ेंगे। क्या बात है अमित, देखिए एक हमारे आचार्य हुए हैं सुश्रुत जी, उन्होंने एक बार अपने शिष्य से कहा कि कोई ऐसी वनस्पति खोज कर लाओ जिसमें कोई गुण ना हो, अगर तुम्हें पास होना है तो। वो गया वन वन घूमा, खोजा, लेकिन वापस आ गया निराश। क्या हुआ? अरे भाई गुरुदेव, कोई ऐसी वनस्पति नहीं है जिसमें कोई गुण नहीं है। तो आचार्य सुश्रुत ने कहा कि तुम पूरी तरह सफल हुए हो अपनी परीक्षा में, क्योंकि सच में कुदरत ने हमें बहुत कुछ दिया है। पेट भरने के लिए दिया है, अगर हम कहें कि तन ढांपने के लिए वस्त्र के रूप में भी हमें ऐसे पौधे दिए हैं जिससे वस्त्र बनते हैं, और साथ में हम हमेशा स्वस्थ रहें इसके लिए भी पूरा इंतजाम कुदरत ने कर दिया है। ऐसे औषधीय पौधे हैं जिनके सेवन से, जिनके तैयार उत्पादों से पूरा, मैं कहूं कि एक पूरा साम्राज्य है उनका, अगर हम दवाइयों के क्षेत्र में कहें या सौंदर्य प्रसाधन के क्षेत्र में कहें तो। औषधीय पौधों की बहुत बहुत ज़्यादा महत्व है, और किसान भाई उनकी खेती करके मतलब हर तरह से इस पर्यावरण को भी अच्छा बना सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं, अपनी सेहत को भी और देश की सेहत को भी। बिल्कुल नीलम, कार्यक्रम की जो भूमिका है वो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। हाँ। हमारे श्रोता समझ ही गए हैं कि भाई कार्यक्रम किसान की बात में आज अवश्य किसी न किसी अमूल्य खजाने के विषय में बात होगी, और वो खजाना जो है वो हमारे पास है, हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो लेकर के आए हैं। हमारी कोशिश होती है कि अब जो हम कृषि कर रहे हैं उस राह से अलग हटके क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि जो हमारे लिए, हमारे देश की भावी पीढ़ी के लिए और हमारे आर्थिक मूल्यों को भी पूरा पूरा करता हो, उस पे खरा उतरता हो। बिल्कुल, जो सर्वेक्षण हुआ है उसमें हमारे देश में ही विविध जलवायु है, हम सब जानते हैं, है ना, मतलब जो जैव विविधता इतनी भरपूर है, और 7,000 से अधिक ऐसे पौधे हैं जो औषधीय पौधों की श्रेणी में आते हैं। और अगर हम निर्यात की बात कहें तो जो औषधीय पौधों का निर्यात है उनसे बने उत्पाद हैं वो भी अपनी धाक जमा रहे हैं पूरे बाजार में। तो बहुत जरूरी है कि हम औषधीय पौधों की खेती की तरह पूरा ध्यान दें ताकि हम उसमें आगे बढ़ सकें। जी, तो आज जो कार्यक्रम किसान की बात है उसका जो आधार है, जो विषय है, वो यही है कि आज हम बात करेंगे औषधीय पौधे,
मेंथा और कुछ अन्य औषधीय फसलों में समसामयिक कार्य के विषय में ये भी हमें ध्यान रखना है। जो ऐसा हमें लगता है कि मेंथा के विषय में हम सब लोग हो सकता है कि घरों में इस्तेमाल कर रहे हों, लेकिन ये जानकारी ना हो कि यही है जिसकी बात चल रही है। ये ग्रामीण अंचल में यदि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि की बात करूं तो ये जरूर आज सुनकर के लगेगा अरे ये तो हमें पता है, लेकिन हाँ जब हमारे विशेषज्ञ की राय हमारे सभी श्रोताओं तक जाएगी तो और चार चांद लगेंगे, वो इसको संजोएंगे संवारेंगे। और इसी के विषय में विस्तार बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मूलचंद। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो में, और मैं ये कहना चाहूंगी कि आप भी हमसे जुड़े हैं ना। अगर आप चाहते हैं कि मेंथा की इस समय खेती कैसे देखभाल करनी है, या क्या अभी भी हम मेंथा या अन्य औषधीय पौधे लगा सकते हैं, और खेती कैसे करें, क्या फायदा इस खेती का, और कैसे मतलब खेत की तैयारी करनी है, क्या क्या चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है, तो हमें फोन करिए 2-3-4-2-1-6-0-8 2-3-4-2-1-6-0-8 और जो दिल्ली के बाहर के श्रोता हैं उन्हें भी बता दें कि वो जो हमारा दिल्ली का एसटीडी कोड है 011 वो लगाना ना भूलें, ताकि आपका कॉल सीधा स्टूडियो में आए, विशेषज्ञ आपके प्रश्न का उत्तर दें और आप भी कृषि में हमारे साथ साथ सोच के साथ नए आयाम गढ़ें। बिल्कुल, तो फिर डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि मेंथा है क्या और औषधीय पौधों का महत्व क्या है। देखिए, मेंथा चार प्रकार का होता है जी। एक है जापानीज मिंट जिसे मेंथा अरवेंसिस कहते हैं जी। और इसका कॉमर्शियल बेसिस पे इसकी खेती की जाती है। दूसरा है मेंथा पाइपरीटा जिससे पीपरमेंट बनाया जाता है। तीसरा है मेंथा स्पिकाटा जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, जिसकी चटनी वगैरह बनाते हैं। और चौथा है मेंथा साइट्रेट। तो इस प्रकार से चार प्रकार का मेंथा होता है, लेकिन मेंथा अरवेंसिस जिसे जापानीज मिंट कहते हैं उसका बहुतायत से उत्पादन किया जाता है और हमारे किसान भाइयों को इसे जरूर उगाना चाहिए। और इससे जो मेंथोल प्राप्त होता है वो हमारे देश से निर्यात होता है, जिससे हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है जी। अभी कुछ मेंथा जो लगा ली है किसानों ने खेतों में है, और क्या अभी भी मेंथा जिन्होंने नहीं लगाया है वो लगा सकते हैं? मेंथा की एक्चुअली दो प्रकार से खेती होती है। एक तो एक वर्षीय फसल उगाते हैं, तो उसके लिए अगस्त या सितंबर के महीने में नर्सरी तैयार की जाती है और उसमें जड़ें लगा दी जाती हैं जो बाद में बड़ी हो जाती हैं लगभग 10 सेंटीमीटर की होने पर। तो जनवरी के लास्ट वीक में और या फरवरी के महीने में जो जड़ें हमने नर्सरी में लगाई होती हैं वो रोपाई के लिए तैयार हो जाती हैं। तो एक तो जिन किसान भाइयों को एक वर्षीय फसल उगानी है वो फरवरी के महीने में इसकी क्रॉप लगाते हैं जो इस समय लगी हुई है और खेतों में खड़ी है। दूसरे किसान भाई जो रबी में गेहूँ या आलू की फसल उगाते हैं, उन किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि वो अपनी खेतों को इस समय खाली ना छोड़ें और अभी अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र या किसी कृषि विश्वविद्यालय या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के किसी संस्थान में जाकर वहां से मेंथा की जड़ें प्राप्त कर सकते हैं। और अभी बहुत सही समय है, जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा है वो तुरंत मेंथा की फसल लगा सकते जी। अभी जो मेंथा फसल खड़ी हुई है हमारे खेतों में उसमें क्या देखभाल करनी है? देखिए, जो फरवरी में लगी है वो लगभग 1.5 महीना हो चुका है, तो मेंथा की जो रोपाई की जाती है तो पौधे लगभग 1 महीने के अंदर स्थापित हो जाते हैं जी। और उसके बाद जो भूमि में खरपतवारों के बीज होते हैं वो उगना प्रारंभ हो जाते हैं। तो एक तो किसान भाइयों को एक निराई गुड़ाई करने की आवश्यकता है। दूसरा ये कि जो हमारी टॉप ड्रेसिंग हमारी नाइट्रोजन की कुछ मात्रा जो हमें 1 महीने के बाद देनी होती है, तो लगभग 25 किलोग्राम नाइट्रोजन इस समय टॉप ड्रेसिंग के रूप में देनी है और उसके तुरंत बाद सिंचाई करनी है। तो नीलम, अभी डॉक्टर साहब ने प्रश्न का जवाब दिया, जैसे आपने पूछा कि जो इस समय मेंथा खेतों में खड़ा है उसमें हम क्या करें, लेकिन यहाँ बहुत सारे हमारे ऐसे भी श्रोता होंगे जो हमसे जुड़े हैं पहली बार और कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ना ये फसल हम पहली बार अपने खेतों में लगाएं, तो इसके लिए विशेषतः भूमि जलवायु कैसी होनी चाहिए, क्या उनकी मिट्टी इस प्रकार की खेत की है कि वो इसमें हो सकता है या नहीं, तो इसके विषय में डॉक्टर साहब थोड़ा प्रकाश। मेंथा की खेती के लिए बलुई दोमट या दोमट भूमि सबसे अच्छी होती है। भूमि का पीएच मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए और मेंथा को शीतोष्ण तथा समशीतोष्ण दोनों प्रकार के जलवायु में उगाया जा सकता है। 20 से 40 डिग्री सेल्सियस तापक्रम इस फसल की बढ़वार के लिए अच्छा माना जाता है। और मेंथा की बढ़वार के समय बरसात होना और इसकी कटाई के समय आसमान साफ होना तथा सूर्य की रोशनी होना
जरूरी होता है। तो ये तो बड़ा सीधा सरल हमारा जवाब रहा और हमारे श्रोताओं को समझ में आया होगा कि किस प्रकार की जलवायु है। साधारणतः यदि हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश है या जो जिले हैं हरियाणा है, इस क्षेत्र में अच्छा मेंथा का हम उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन जब प्रश्न आता है कि हम अपनी जो पारंपरिक कृषि है उस रास्ते को छोड़ करके औषधीय गुणों के पौधों की ओर क्यों जाएं, तो ये बड़ा प्रश्न आएगा क्योंकि कोई भी पूछेगा कि हम ऐसा क्यों करें, तो इसमें विशेषता है, आप क्या बताना चाहेंगे? मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि उन्हें पारंपरिक खेती के बजाय मेंथा की खेती करनी चाहिए, क्योंकि इसकी खेती करने में एक तो खर्च कम आता है, इसमें बीमारियां तथा रोग नहीं लगते हैं, सभी प्रकार की भूमि में इसे उगाया जा सकता है, और यहाँ तक कि जब हमारे किसान भाई अपने खेतों को खाली रखते हैं इस जायद के मौसम में, इस समय भी मेंथा की खेती की जा सकती है। तो मैं किसान भाइयों को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेंथा की खेती जरूर करें, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है हमारे किसानों की आय को दोगुनी करना, वो मेंथा की खेती करके पूरा किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, एक और यहाँ प्रश्न बन में है, जैसे आपने कहा कि खेतों को हम खाली छोड़ देते हैं, अभी गेहूं की हमने कटाई की है, कुछ लोग कर रहे हैं, और उसके बाद में फिर हो सकता है कि जब तक धान की बुआई होगी तब तक वो खाली रहेगा, तो क्या इतने समय ये पर्याप्त है मेंथा की खेती के लिए, हम उसमें कर सकते हैं? जी, मेंथा की जैसे मैंने बताया कि दो प्रकार की खेती होती है, एक तो वार्षिक और एक ये जो अभी लगानी है, तो इससे किसान भाई दो कटाई ले सकते हैं, एक तो मई के महीने में हो जाएगी और दूसरी जब जुलाई के प्रथम सप्ताह में जब आप दूसरी फसल लगाने की तैयारी करेंगे उस समय, इस प्रकार से दो ले सकते हैं। और जो हमारी एक वर्षीय फसल होती है उसमें तीन कटाई होती है, तो ये बहुत ही उपयुक्त समय है किसान भाइयों को इस समय मेंथा लगाना चाहिए। यानी कि जो जायद की फसल है उसमें दो कटाई हो जाएंगी, जी, है ना, और वो एक कटाई के बाद दूसरी 60-65 दिन के बाद जी लगभग वो कटाई जी जो अभी हमारे पास खेतों में फसल खड़ी है उसके लिए डॉक्टर साहब क्या ध्यान रखना चाहिए किसानों को, ताकि उनकी एक अच्छी फसल भी मिले उन्हें और अच्छे पत्ते वाली भरपूर फसल मिले? तो देखिए, क्योंकि इस समय तापक्रम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो किसान भाइयों को ये ध्यान रखना है कि अगर बरसात नहीं होती है तो प्रति सप्ताह सिंचाई करनी है। दूसरा ये कि जिन किसान भाइयों की फसल एक महीने की या उससे ज्यादा की हो गई है तो उन्हें एक निराई गुड़ाई करनी है, क्योंकि जब फसल स्थापित हो जाती है तो लगभग एक महीने बाद खरपतवार भी उगने शुरू हो जाते हैं और काफी बड़े हो जाते हैं। तो हमारे किसान भाई अगर पहली निराई गुड़ाई अच्छी तरह करेंगे तो उसके बाद खरपतवार खत्म हो जाएंगे, और क्योंकि मेंथा की बढ़वार बहुत तेजी से होती है उसके बाद वो खरपतवार के पौधों को पनपने नहीं देंगे। इसके अलावा हमें यह भी देखना है कि उसमें कोई कीट पतंगे तो नहीं लग रहे हैं, जैसे एक हेरी कैटरपिलर होता है, लीफ रोलर होता है, और एक रेड पंपकिन बीटल होती है, अगर वो दिखाई देते हैं तो उसमें मेलाथियन के 0.2% के घोल का छिड़काव करें। यदि कटवर्म और दीमक है तो किसान भाई जिनके खेतों में दीमक का प्रकोप होता है उन्हें खेत की अंतिम जुताई के समय 4-8-10G नाम से ग्रेन्यूल्स आते हैं, उनकी 20 किलोग्राम मात्रा खेत में मिला देनी चाहिए। इसके अलावा जो किसान भाई इस समय नीम की खली भी उसमें पौधों की जड़ों में डाल सकते हैं, जिससे पोषक तत्व प्राप्त होंगे और जो ये कीट हैं और रोग हैं वो भी फसल में नहीं लगेंगे। जी बिल्कुल सही बात है, और हर फसल में ये कीट बीमारियों की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, और उससे निपटने के लिए कितने सारे उपाय किए जाते हैं। एक जो नई वैज्ञानिक पद्धति है वो है ड्रोन द्वारा हम कैसे कीटनाशकों का छिड़काव करें, और इसके बारे में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा उनके भागीदारों के सहयोग से 10 मुख्य फसलों के लिए ड्रोन द्वारा कीटनाशकों के छिड़काव हेतु फसल विशिष्ट पद्धति का विकास किया गया है। इसके बारे में ये कार्यक्रम था, और इसके बारे में माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार का, आइए सुनते हैं संबोधन। आज हम सबके लिए काफी प्रसन्नता का क्षण है, जब काफी दिन से ड्रोन टेक्नोलॉजी और मिलेट्स को आगे बढ़ाने की दृष्टि से जिन विधाओं की आवश्यकता थी उन पर अध्ययन चल रहा था, और वो कार्यवाही आज पूर्ण हुई, और मिलेट्स से संबंधित भी और ड्रोन टेक्नोलॉजी का कैसे कृषि में उपयोग करें इस दृष्टि से दोनों पुस्तकें बन गई हैं और उनके लोकार्पण का अवसर है। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। हम सब यह भी जानते हैं कि कृषि का क्षेत्र चुनौतियों से भरा हुआ है और नित नई चुनौतियां आने की संभावना बनी रहती है, इसलिए समय समय पर सोच का परिवर्तन, समय समय पर विधाओं का परिवर्तन, ये करते रहने की निरंतर आवश्यकता बनी ही रहती है। एक समय था जब परंपरागत कृषि होती थी और उस पर ही लोग संतुष्ट रहते थे, लेकिन आज कृषि के क्षेत्र में
बाकी सब चुनौतियां हैं, लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ी चुनौती ये है कृषि के क्षेत्र में काम करने वाला किसान एक तो कृषि पर ठहर सके और भविष्य की पीढ़ी को भी हम कृषि कार्य करने के लिए आकर्षित कर सके। दूसरा, कृषि के उत्पादन में लागत में कमी आए और किसान को मुनाफा हो सके। जब इन सब चीजों पर विचार करते हैं तो निश्चित रूप से मंत्रालय समय समय पर अनेक बातों को विमर्श करता रहता है। दलवाई कमेटी भी अनेक प्रकार का अध्ययन करती रहती है, समय समय पर हम लोगों को अवगत कराती रहती है। हमारे वैज्ञानिक बहुत ही शिद्दत के साथ अपने अनुसंधान का काम करते हुए विद्यमान चुनौतियों का सामना और समाधान कैसे करें, इस दृष्टि से प्रयत्नशील रहते ही हैं। लेकिन इन सब के साथ साथ वर्तमान परिस्थितियों में इन उद्देश्यों को पूर्ण करने की दिशा में जब हम सोचते हैं तो निश्चित रूप से यह लगता है कि आने वाले कल में अगर कृषि में तकनीक का समर्थन नहीं होगा तो हम लोग अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और इसलिए जितनी भी भारत सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं में तकनीकी समर्थन कैसे जुड़े, इस बात का प्रयत्न विभाग के द्वारा हमेशा होता रहता है। सूक्ष्म सिंचाई योजना के भी परिणाम काफी अच्छे आना आरंभ हो गए हैं। प्राकृतिक कृषि जैसे विषयों को भी आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है। हम सब फर्टिलाइजर की दृष्टि से हमेशा सोचते थे कि जिंदगी भर यूरिया पर और यूरिया के इंपोर्ट पर ही हमको निर्भर रहना पड़ेगा, लेकिन हिंदुस्तान ने नैनो यूरिया भी बनाया, नैनो डीएपी भी अब आने वाला है और इस दिशा में काफी कदम बढ़ाए गए हैं और आने वाले कल में और भी बढ़ाए जाने वाले हैं। मिलेट्स का विषय हम सब लोगों के सामने है ही, मिलेट्स ईयर भारत के प्रस्ताव पर ही पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है। मिलेट्स की खपत बढ़ेगी, देश में भी बढ़ेगी, दुनिया में बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से हमें उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादकता भी बढ़ाना पड़ेगी, प्रोसेसिंग भी बढ़ाना पड़ेगी, एक्सपोर्ट भी करना होगा। तो आज मिलेट्स ईयर जब भारत के प्रस्ताव पर सारी दुनिया ने तय किया है तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हमारी है। कल अगर बीज की जरूरत पड़ेगी तो लोग हम ही से कहने वाले, और इससे किसान की लागत कैसे कम हो सकती है, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के उपयोग की दृष्टि से मानव शरीर पर जो दुष्प्रभाव होता था उससे कैसे बचा जा सकता है, इसमें निश्चित रूप से यह सब काफ़ी मददगार आने वाले कल में हम लोगों को होगा। लेकिन मैं इस अवसर पर इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि सामान्य तौर पर जब भी हम कोई नया कार्यक्रम करते हैं हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि अंतिम किसान तक हमारी ये मदद कैसे पहुँचे, अंतिम किसान तक टेक्नोलॉजी कैसे पहुँचे। क्योंकि कोई भी योजना लाओ, कोई भी टेक्नोलॉजी लाओ, कोई भी फंड लाओ तो इस देश में हर क्षेत्र में एक सक्षम तबका खड़ा हो गया है जो सर्वप्रथम उसको ग्राह्य भी कर लेता है, उसका उपयोग भी कर लेता है, लेकिन हम अंतिम व्यक्ति तक उसे नहीं पहुंचा पाते हैं। यह निश्चित रूप से हमारी एक तौर से विफलता भी है। और इसलिए ड्रोन का जो उपयोग है वो छोटे किसान तक कैसे हो, और इसके लिए जब स्कीम बन रही थी तो सामान्य किसान और सामान्य एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को भी प्रावधान करके जिसमें जोड़ा गया, तो उसके पीछे यही उद्देश्य था कि जितना विकेंद्रीकरण हो जाएगा, क्योंकि केबीके की अपनी सीमाएं, यूनिवर्सिटी की अपनी सीमाएं, राज्य सरकार की भी अपनी सीमाएं, लेकिन जब तक विकेंद्रीकरण पूर्णता नहीं होगा तब तक इसको हम अंतिम व्यक्ति तक लाभ की स्थिति में नहीं पहुंचा पाएंगे। और इसलिए स्कीम अब अच्छी बन गई है। कृषि से संबंध रखने वाली जितनी टेक्नोलॉजी है उनका एक ना एक कोई सत्र विश्वविद्यालय में या आईसीआर में होने की हमको परंपरा डालना चाहिए। इसकी पूरी योजना भी बनाना चाहिए और केबीके की क्षमता वृद्धि भी कैसे कर सकते हैं उस पर भी हमें काम करना चाहिए। आज इस कार्यक्रम में मैं आप सबको पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद। अरे 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 क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहे पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ, पर हम तो सभी डाले हैं। सब नहीं,
आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा उनके भागीदारों के सहयोग से 10 मुख्य फसलों के लिए ड्रोन द्वारा कीटनाशकों के छिड़काव हेतु विकसित फसल विशिष्ट पद्धति के बारे में आज जो कार्यक्रम किया गया उसमें हमने अभी सुना माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी का संबोधन। और जैसे कि हम अमित बात कर रहे थे कि हमें प्रकृति ने सब कुछ दिया है ना, हमारी जरूरतों के लिए, लेकिन हमने अपने लालच से बहुत कुछ प्रकृति का बिगाड़ दिया है ना। और ये हालात जो बदल रहे हैं, जलवायु परिवर्तन है, ये हमारे लिए चुनौती है, इनसे भी निपटना है और आगे भी बढ़ना है, तो बहुत जरूरी है कृषि वैज्ञानिकों का और किसानों का परस्पर सहयोग, और इसी सहयोग के बल पर ये विशिष्ट पद्धति है ये विकसित की गई थी। सही आपने कहा, और यही कोशिश है कार्यक्रम किसान की बात का उद्देश्य है। तभी सफल होता नजर आता है कि जब हमारे देश के किसान हमारे यहाँ उपस्थित वैज्ञानिकों की राय को अपनी कृषि में प्रयोग करते हैं, और भी ये कोशिश रहती है कि हम किस प्रकार से अपने किसानों तक ऐसी बातें पहुंचाएं, विशेषज्ञों की राय पहुंचाएं, जिससे उन्हें लाभ हो। अमित, अभी जो हमारे श्रोता लाइन पर हैं, हम डॉक्टर साहब के पास फिर से चलते हैं और जो पूछना चाहते हैं हमारे श्रोता सुनते हैं। हेलो हेलो डॉक्टर साहब प्रणाम। ये डॉक्टर साहब, ये मेथी तो समझते हैं लेकिन ये मेंथा जो है हम समझ नहीं पाए, ये क्या चीज है? जी मेंथा क्या चीज है? मेंथा जिसे हम आमतौर पर पुदीना कहते हैं ना, ये पुदीना का ही अंग्रेजी नाम मेंथा है। तो जैसा मैंने बताया कि चार प्रकार का होता है, एक होता है जापानीज मेंथा जिसको हम बड़ी मात्रा में उगाते हैं और उससे तेल निकाला जाता है और उसका निर्यात किया जाता है, और एक पुदीना होता है जो हम खाते हैं, वो मेंथा स्पिकाटा होता है। तो ये पुदीना है, मेंथा का मतलब पुदीना होता है, पुदीना का अंग्रेजी में मेंथा कहते हैं पुदीना को। हाँ जी, और धन्यवाद आपका अक्रम साहब। और वाकई ये एक बड़ा शुरू में ही हमने ये बात की थी कि मेंथा के बारे में, जबकि हम उसे रोज की उसमें इस्तेमाल भी करते हैं। तो अब जो हमारे परंपरागत में रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था और अब भी इस्तेमाल करना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है, हमारी मिट्टी के लिए लाभकारी है, पर्यावरण के लिए लाभकारी है, और जिसका वर्ष हम मना रहे हैं श्री अन्न का वर्ष, आइए जानते हैं उसके बारे में। भारत दुनिया में श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है, जिनमें रागी, ज्वार, सावा, कोदो और बाजरा जैसे श्री अन्न शामिल हैं। श्री अन्न 21वीं सदी की आदर्श फसल मानी जा सकती है, जिन्हें सूखे और बाढ़ से प्रभावित इलाकों में भी उगाया जा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में आज देश तेजी से श्री अन्न के उत्पादन और उपयोग की दिशा में लगातार नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। मिलेट्स जैसे रागी, ज्वार, बाजरा, कोड़ो, जोंगोरा, कोटकी, इन जैसे अनाज की पैदावार बढ़े, लोग अपने भोजन में इन्हें शामिल करें, इस और प्रयास बढ़ाए जा रहे हैं। कम उत्पादन लागत और जलवायु की मार झेल सकने वाली फसल होने के नाते श्री अन्न छोटे और सीमांत किसानों, विशेषकर महिला किसानों को आर्थिक सुरक्षा और उच्च लाभ प्रदान कर रहे हैं, जिनकी परंपरागत रूप से श्री अन्न की खेती में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर ही संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया है। इसका सीधा लाभ देश के श्री अन्न उत्पादक किसानों और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को होने जा रहा है। इससे भारत ही नहीं विश्व भर को दो बड़े फायदे होंगे। एक तो पौष्टिक आहार प्रोत्साहित होंगे, उनकी उपलब्धता और बढ़ेगी, और दूसरा जो छोटे किसान होते हैं जिनके पास कम जमीन होती है, सिंचाई के साधन नहीं होते हैं, बारिश पर निर्भर होते हैं, ऐसे छोटे छोटे किसान, उनको बहुत लाभ होगा। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्री अन्न के स्वास्थ्य लाभ के बारे में देशवासियों को जागरूक करना शुरू किया है,
लोग श्री अन्न को अनाज के एक नए शानदार विकल्प के तौर पर काफी पसंद करने लगे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प से देश में श्री अन्न की खेती को बढ़ावा मिल रहा है और श्री अन्न की मार्केटिंग को प्रोत्साहन मिलने से देश के श्री अन्न उत्पादक किसानों के चेहरों पर एक नई चमक आई है। डॉक्टर साहब, हमने बात की कि जो मेंथा की फसल खेतों में खड़ी है उसका कैसे हम ध्यान रखें, क्या समसमाय कार्य करें, और अभी भी अगर किसान मेंथा लगाना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना होगा। अब हम बात करते हैं अन्य औषधीय पौधों की, जिनको किसानों को खेती करनी चाहिए और क्या वो अभी कर सकते हैं। जी, यूँ तो औषधीय फसलें बहुत प्रकार की हैं, लेकिन मैं किसान भाइयों को सुझाव दूंगा कि जैसे एलोवेरा है, अश्वगंधा है, गिलोय है और सतावर है, ये चार फसलें ऐसी हैं जिनको किसान भाई अभी जून जुलाई में इनकी खेती कर सकते हैं और उससे अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। जी, अभी भी वो कर सकते हैं, जून जुलाई के उसमें। जी, जो आपका अनुभव कहता है, जो आपके संपर्क में किसान आते हैं या जो आप रिकमेंडेशन सिफारिश करते हैं, उसके आधार पर आपको औषधीय पौधों की खेती में किसानों का क्या भविष्य नजर आता है? देखिए, औषधीय फसलों की खेती करने में तो ज्यादा लागत नहीं आती, लगभग सभी प्रकार की भूमि और जलवायु में हो जाती है, इनमें कीट पतंगे और रोग कम लगते हैं, तो इसलिए किसान भाई पारंपरिक खेती ना करके औषधीय फसलों की खेती करनी चाहिए, क्योंकि बाजार में इनकी मांग काफी है और इससे मतलब कई गुना ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, और ये एक बड़ा अच्छा संदेश है, क्योंकि एक जो आयुष मंत्रालय है हमारा, भारत सरकार का, उसका है केंद्रीय आयुष मिशन है, उसके अंतर्गत पूरी योजना है इसके लिए कि जो किसान औषधीय पौधों की खेती करना चाहते हैं वो कैसे लाभ उठा सकते हैं, क्या उन्हें तकनीकी और आर्थिक सहायता मिल सकती है, किस प्रकार वो इसके लिए अपना सरकार से आवेदन कर सकते हैं। जो आयुष मंत्रालय की साइट है, वेबसाइट है, उस पर जाकर वो देख सकते हैं, और www.ayush.gov.in। बिल्कुल नीलम, हमारे श्रोताओं को इंतजार रहता है कार्यक्रम किसान की बात में, जब हम विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं कि कोई नया विचार आज कृषि के लिए मिलेगा, और ये कार्यक्रम में यहाँ सफलता हमें मिल जाती है कि जब डॉक्टर्स की राय किसानों तक पहुँचती है। डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम में आए, आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और अब हम भी अनुमति लेते हैं अपने साथियों से, कार्यक्रम किसान की बात सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।